ना हम पुलिस हैं, ना गुंडे, ना ही गैंगस्टर्स। वायलेंस क्या होता है ये हम नहीं जानते। वो हम दोनों के बीच आया, मैंने उसे मार दिया। सिर्फ छोटी सी लड़ाई है बस, दोबारा ऐसा कुछ होगा मैंने नहीं सोचा था। हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, पर अंदर से एक फीलिंग आ रही थी। उनसे लड़ने की हिम्मत और उस सिचुएशन को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस आ रहा था। तुम्हारी बहन के पीछे मैं घूमूं तो गलत है, लेकिन अब तुम दोनों मेरे एरिया में आकर लड़कियों को छेड़ोगे तो वो सही है क्या? तू बात तो सही कह रहा है यार, पर हम दो लोग नहीं है, वो अकेला है। मैं तो सिर्फ पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस हूँ, नथिंग एल्स। अब मैं आकर तुम्हारी बहन से बात करता हूँ। देख, तूने मारा, मैंने मारा, बात खत्म। बस 5-6 punches और किक्स और बात खत्म। हर एक पंच इतना जोरदार था कि वापस कोई उठ नहीं पाया। हेलो, अबे तेरा हुआ कि नहीं? अबे यहाँ लफड़ा हो रहा है, जल्दी आ, जल्दी। बनकर गाड़ी पर बैठ, अबे चल जल्दी, अबे छुपे। वो हाथ लगाएंगे तो छोड़ दूंगा क्या? सत्यमूर्ति की बेटी हॉस्पिटल है या क्या है? इतने विजिटर्स यहाँ कैसे? चलो चलो निकलो। अचानक उसने एक कड़ा सा निकाला और लीला पर वार करने की कोशिश की। लीला पर होने वाले वार का आभास होते ही मैंने उसे वहां से हटा दिया। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? Are you okay? कौन थे ये लोग? Hey, इस ड्राइवर को समझा, जहां जाना है वहां लेके चले। भी यार संभाल के महेश, what's happening? क्या हो रहा है? लगता है ये तो मर गया। अरे क्या हो रहा है? ए ड्राइवर को कुचल दिया किसी ने? अरे यार ये गाड़ी कैसे कंट्रोल होगी? अरे यार वो लोग हमारे ही पीछा कर रहे हैं, क्या करें हम लोग? लगातार गोली चला रहे हैं, क्या होगा? क्या हो गया यार? ए ए संभाल के, जरा देख कितने लोग हैं। देखता कैसे देखो यार, यार कुछ पता नहीं चल रहा है यार। क्या धक्का मार रहे हैं ये लोग? संभाल के, संभाल के, संभाल के, संभाल। क्या हो रहा है? हे जल्दी भगा, जल्दी भगा। अरे वो लोग गाड़ी को धक्का मार रहे हैं, भगा जल्दी। हे उनकी गाड़ी पलट गई। क्या हुआ? तू आगे और गाड़ी नहीं है ना? और कोई गाड़ी नहीं है, तू चला चला तू। हाँ, हम लोग को सीधे इनके घर चलना चाहिए। यार तू मेरी बात क्यों नहीं मानता है? तुम्हें सीधे इनके घर चलना चाहिए। हे हे क्या कर रहा है ये सामने से? हे सबको गाड़ी से बाहर निकालो। चलो उधर चल, चल नीचे आ, नीचे आ। ए सबको उतार प्लीज, चल। एक दो तीन चार। अच्छा तो बुढ़ा अंदर है क्या? वैसे भी वो लाश की तरह ही है। घुटनों पर बैठो, मैंने कहा बैठो, हाथ पीछे कर। प्लीज प्लीज प्लीज, तुझे अलग से बताना पड़ेगा क्या? बैठ जा।
हाथों को पीछे करो। तुम ही लीला हो ना, तुझे मारने का प्लान बनाया था, बीच में ये आ गया, नहीं तो तू एक ही बार में खत्म हो गई होती। क्या वो बुड्ढा भी जिंदा है? रिमूव कनेक्शन एवरीथिंग, चलो। नहीं प्लीज जल्दी से सर, प्लीज प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। तू क्या बोल रहा है? तेरा क्या रिलेशन है? तुझे बड़ी फिक्र है क्या? लगती है तेरी हॉस्पिटल में तूने सबको उड़ा दिया ना। मारू गोली तुझे अब मैं दुनिया से उड़ा देता हूँ। मारू गोली, मारू गोली। उसने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए प्लीज। सब निकाल दिया ना, अब तू जा यहाँ से, तेरा इस लफड़े से कुछ लेना देना नहीं, चल निकल यहाँ से। पता है मैंने ये क्यों किया? पुलिस को भी पता होना चाहिए कि तूने इतने लोगों को मारा है, इसे, इसकी माँ को, नर्स को, इसके बाप को भी। ओके अब ये ले इस गन को, जरा जोर से पकड़, इस पे तेरी उंगलियों के निशान होने चाहिए, उसके बाद अपने आप को भी ठोक लेना, समझा ना? ले पकड़ 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 ना, जैसे मैंने पकड़ा है, ये देख, ले पकड़। बहुत हीरो बन के लड़की को बचाने आया था ना, अब खुद इन लोगों को मार। ले पकड़ गन। मुझे गन नहीं चाहिए। हाँ? नहीं चाहिए। क्या कहा? मुझे ये गन नहीं तुझे चाहिए। सबको मारना है, पकड़। मैंने कहा मुझे गन नहीं चाहिए, मेरे पास गन है। बहुत सही क्या भाई, बहुत सही है तू, बचा लिया ना। बहुत लीला, बड़ी तू ठीक हो ना? मैं इस चेक कर लीला के पापा कैसे। लीला लीला यू ओके नाउ? पापा को देखो, इज शी ओके? पता नहीं, इज शी ओके? क्यों मारा इसे? वो मर गया ना। आता बास, अब कुछ सुनने का नहीं, सीधा जीप में बैठ जा। पुलिस मैन को मारा और हॉस्पिटल से उसका गन भी चुराया और अभी वो तेरे हाथ में है, चल जीप में दे बास। और हाँ गन गेव, इज ही द गुड ऑफिसर यू आर टॉकिंग अबाउट? नहीं नहीं, मैंने पुलिस कंट्रोल रूम में बात की है एसपी देवांशु से। ए, मेरे को देवांशु ने भेजा है, तुम भेजा मत खाओ अंकल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस रहा है तू। ये लोग ना, ये लोग वेरी डर्टी फेलो, वेरी बैड फेलो। अब चल भेजा गाड़ी में खाने का, चल। अब देख मजा तेरा क्या होने वाला है। ओ तेरी तो, तुमने तो बोला था कि ये मर चुके हैं। ए, ए महेश उसे लेकर अंदर जा। अंदर जा कहा ना, अंदर जा। अरे गधे, एवढा मोठा मूर्खपणा केलास, अब गन लेकर अपने ऊपर ये चढ़ रहे हैं। अबे चल 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 गाड़ी में बैठ। ओ हीरो, तेरी अलग से आरती उतारू क्या? चल गाड़ी में बैठ। अतुल, अतुल तू जानता है उनको? अतुल, सामने से गोली सीधा मेरे सर पे मारा, किस्मत अच्छी थी कि बच गया। बाबा अतुल क्या कर रहे हो तुम? उसे बोलो सरेंडर कर दे। देखो ये ठीक नहीं है। ए, गन नीचे फेंक। अरे ये क्या हो रहा है? डॉक्टर यू गो इनसाइड। क्या कर रहे हो? कम ऑन, सुनो मेरी बात। हे डॉक्टर यू गो इनसाइड। क्या हो रहा है? सुनो, अरे दरवाजा खोल। डॉक्टर आर यू विद अस और आर यू विद देम? आई एम विद यू। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? क्या नर्स की गोली नहीं निकाली मैंने? ओके, इज देयर अ बैक डोर? इज देयर अ बैक डोर? नो नो, देयर आर नो एनी अदर वे दे कैन गेट इन द हाउस। आर यू श्योर यू लॉक्ड इट? हे ऊपर भैया, जल्दी आए, ही स्टॉप ब्रीदिंग। अब देखिए उन्हें क्या हुआ है। डॉक्टर प्लीज गो, बाहर निकल। अरे बाहर निकल, वो मारेगा। आत्मा दिखाई लपलाइस, अंदर क्या छुपा है, बाहर निकल। छोड़ना नहीं, मार 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 डाले सबको। ओह माय गॉड, जल्दी बोलो क्या है। अरे तेरे को छोड़ेंगे नहीं। रुक रुक, दिस इनोसेंट पीपल, काय करता तुम्हें? वो मेरे बाबा है। अरे तो क्या नाचू? महेश तुम ही गोली का चलवा था, और ऐसे मार के क्या मिला तुम्हें? बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग? चले जाओ तुम लोग। दरवाजा नहीं खोलेगा तो सबको मार डालेगा।
लीला, 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 are you okay? वहाँ से हिलना मत, मैं वहीं आ रहा हूँ। नहीं, तुम यहाँ मत आओ। अरे एक बेकसूर को मार दिया। ये मेरे हाथों में खुजली हो रही है। तेरे बाप को फोन पीछे जा। देखो ये ठीक नहीं है। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। पीछे जा रहे हो तुम क्या करता है? फोन नगा करूँ बाहर या? हेलो। अरे तुमने फोन का लाइन कट करके क्यों रखा है? लीला चलो हमें यहाँ से निकलना होगा चलो देखो ना लोगों ने महेश को मार दिया किधर बच के जाएगा तू मार दिया लोगों ने महेश को डॉक्टर क्या आप महेश को बचा सकते हैं डॉक्टर अरे डॉक्टर क्या बताएगा मैं बताता है तेरे को बहुत शाना बनता है ना तू लीला हम यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लेंगे लीला तुम यहीं रुको तुम यहीं रुको मैं अभी आता हूँ घबराओ मत रुक जाओ अरे क्या कर रहे हो तुम लोग रुक जाओ अब तो रुक जाओ क्या कर दिया उसने रुको किधर कहाँ जाएगा चलो जल्दी इस तरह गो 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 नीचे 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 तू उधर नजर रख हाँ ठीक है हमें यहाँ से निकलना होगा No, no, no. Listen, listen. This is the only chance we've got. I'm not going to die here. It's okay. Listen. It's okay. I'm not going to die here. I'm not going to die here. It's okay. It's okay. We'll come back for them. Just trust me. No, no, no. We'll come back for them. Come on. Come on. Come. छोड़ूंगा नहीं तुझे छोड़ो जान से मार दूंगा छोड़ो उसे वरना मैं शूट कर दूंगी छोड़ो उसे ये कर लो बाबा तू डॉक्टर व्हाट आर यू अप टू छोड़ मुझे व्हाट आर यू गाइस अप टू छोड़ गोली मार दूंगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी पहले ही तो को उड़ा चुका हूं तुझे मारना कोई बड़ी बात नहीं है बता उन सबको क्यों मारा तूने कौन हो तुम लोग बता
मैं तुम सबको मार दूंगा। ए रुक। लाइफ में हम जो प्लान करते हैं जरूरी नहीं हमेशा वैसा ही हो, लेकिन कभी कभी प्लान उम्मीद से बेहतर काम कर जाता है। लीला रूम से बाहर आ जाओ, बैग लेकर आना। डोंट फॉरगेट एनीथिंग। कहानी खत्म हो गई है, पुलिस वाले को छोड़कर सब मर गए। तुम आ जाओ। चली भी गोली की आवाज सुनाई दी क्या? डोंट वरी, जस्ट डोंट वरी, बस बाहर आ जा, हम यहाँ से चले जाएंगे। हरी आप कम कम। ओह नो, कम ऑन कम ऑन। लीला चल चल चल, चल मार दो बात। यू किल्ड माय पेरेंट्स, यू किल्ड माय फ्रेंड्स, यू अरे गो टू हेल, यू आर अ मर्डरर। चल मेरे साथ आगे, तो ये ना क्या हुआ सर? कुछ नहीं कुछ नहीं सर, वो बेवड़ा था निकल गया। तुम ऊपर जाओ, अरे मैं बोलता हूं ना, तुम सब ऊपर जाओ जाओ, लफड़ा हो गया है। ओके सर, ओके सर। हेलो, हां मिका मत बोलतो है, गाड़ी नंबर नोट करा, MH102445। अबे दाढ़ी वाला पालकी चौकी की तरफ जा रहे है, उसको उठाने का और सीधा गेस्ट हाउस की तरफ लेके आने का, पुलिस थाना मत लेके जाना। ए काय चल रहे इकड़े? हां चलो हटो इधर से, हटो। अगर रोना चाहती हो तो तुम रो सकती हो, यहां कोई नहीं आएगा। I'm sorry. पता नहीं कैसे पल में सब बदल गया, जो कुछ भी हुआ अगर बदल सकता तो बदल देता। मुझे माफ कर दो लीला, सोचो हॉस्पिटल में तुम्हारे परिवार को मार देंगे, इसलिए वहां से बाहर लिया है, फिर भी बचा नहीं पाया। I'm sorry लीला। ऐसा क्यों कह रहे हो? ये सब मेरी वजह से हो रहा है, अगर तुम नहीं होते तो। महेश मर गया, वो तो यहां मेरे लिए आया था, बस एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। He's dead. He was just 20. He was just 20. उसके घर जाकर उसके माँ बाप को क्या जवाब दूंगा मैं? उनका सामना कैसे करूंगा?
नहीं, गोली मत चलाना, he's a police officer. चलो यहाँ से। वाह, यहाँ छुपे हो तुम लोग। मुझे पता है आप उनको क्या करने का है। गन किधर है? Where the gun? Gun? Where? Where? I don't. I threw it away. क्या बोला? Throw? English बहुत बोलता है तेरा छोकरा। कहाँ पे है? कहाँ पे है? Somewhere on the way. Somewhere. अच्छा। हाँ। ये क्या है रे? तू बोलता है गन नहीं है? अब देख क्या करता हूँ, ये इसको ऐसा बांधा। No. अब देख तेरे छोकरे को कैसा उड़ाता है मैं। देखा मेरा निशाना? अबे तेरी तो छोड़, अबे छोड़ता ही नहीं। पुलिस पे हाथ उठा। लीला, 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 आंखें खोलो लीला, लीला। मुझे उसे मारना था लेकिन मैं उसे नहीं मार पाया क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है और मैं एक आम आदमी। तो ये है मेरी जिंदगी का पहला एपिसोड एज अ पुलिस ऑफिसर। कामत, मागच्या वेळी जेव्हा भेटलो होतो त्यानंतर थोडीशी मराठी शिकलो। ॲक्च्युली जब तुम मुझे घर पर ढूंढने आए थे तो मैं भी तुम्हें ढूंढने यहाँ आया था, और एक बार नहीं कई बार आया था। पुलिस स्टेशन के पास खड़े रहकर यही देखता कि तुम हो या नहीं, तुम्हें मारने के लिए या तुम्हारी गंदी शक्ल देखने के लिए नहीं। लेकिन जब भी तुम्हें देखता तो मुझे बहुत जलन होती। तुम अपनी मर्जी से आते जाते, अपनी मनमानी करते, बहुत मन करता तुम्हें मारने का। तब सोचा कि अगर तुम्हारी जगह होता तो कैसा होता। बस एक ही फर्क होता, मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनता। इसीलिए किसी को बिना बताए यूपीएससी एग्जाम्स लिखकर आईएएस के लिए सिलेक्ट होने वाला था, लेकिन मैंने आईपीएस चुना। जब मेरी प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन खत्म, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मैंने हैदराबाद में ट्रेनिंग ली, फिर पुणे में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई, वो भी अंडर कवर। और उसके बाद मैंने जिद की कि मुझे इसी पुलिस स्टेशन में पोस्टिंग चाहिए। जिंदगी में बिना किसी मकसद के आवारा घूमने वाला एक लड़का आज एक पुलिस ऑफिसर बन गया है तुम्हारी वजह से। थैंक यू। मुझे जानना था यह कैसे शुरू हुआ। मैं तुम्हारा पीछा करने लगा, जानना था कि तुम उस परिवार को खत्म क्यों करना चाहते हो। डॉक्टर ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन डॉक्टर का बेटा इसमें क्यों इन्वॉल्व था यह भी मुझे जानना था। वो बेचारा तो मर गया पर उसका फोन डॉक्टर के पास था। उसके फ़ोन में हमें एक औरत की फ़ोटोज़ मिली, वही फ़ोटोज़ लीला के घर के एक एल्बम में भी मिली। तभी मैं समझ गया कि दाल में कुछ काला है। उस औरत को ढूंढने में मुझे एक साल लग गया पर मैंने उसे ढूंढ ही लिया। उसका नाम है अनामिका। जब उससे बात की तो एक 25 साल पुरानी प्रेम कहानी का पता चला। उस औरत को किसी से प्यार हो गया था एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में। नथुराम दुबे एक्चुअली एक गैंगस्टर था लेकिन पार्टी वर्कर भी, और अनामिका उसी पार्टी की एक मेंबर थी। उसने आइडियोलॉजी का लेक्चर देकर अनामिका को अपने जाल में फंसा लिया। कोई नहीं जानता था कि वो शादीशुदा है। अनामिका को भी ये बाद में पता चला। उनका अफेयर पूरे एक साल चला। फिर एक दिन अनामिका ने उससे कहा कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अनामिका बहुत खुश थी लेकिन नथुराम को बच्चा नहीं चाहिए था। उसने कहा कि अबॉर्शन करवा लो। उसने अनामिका को बहुत धमकाया पर अनामिका ने बच्चे को जन्म दिया और उसे अपनी बहन को सौंप कर जान बचाकर भाग गई। ये बात सिर्फ वो और उसकी बहन जानते हैं, नथुराम को भी ये नहीं पता। और वो लड़की है लीला। नथुराम एक पॉलिटिशियन, एक लीडर है।
पार्टी में सेकंड इन कमांड है। अगर इलेक्शन में उसकी पार्टी जीतती है तो उसके चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस हैं। अनामिका को जब यह पता चला तो वह अचानक पार्टी ऑफिस में आ गई। उसने नथुराम से मिलने की जिद की और उसे बताया कि तुम्हारी एक लड़की है। उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। तुम्हें सीएम बनने का कोई हक नहीं है। अनामिका ने कहा कि लीला उसकी बेटी है और नथुराम को पूरे समाज के सामने उसे स्वीकार करना होगा। लेकिन अनामिका ने सारा सच बताकर बहुत बड़ी गलती की। वो भूल गई कि नथुराम कैसा आदमी है। उसने 20 दिन में लीला को ढूंढकर रोड एक्सीडेंट में उसे मारने की सुपारी दी। नथुराम के आदमी अनामिका को मारने की कोशिश करने लगे। अनामिका वहां से बचकर निकल गई, लेकिन वो कहां है किसी को नहीं पता। एक हफ्ते बाद जब अनामिका ने सत्यमूर्ति को फोन किया तब पता चला कि उसकी जिंदगी खतरे में है। लेकिन खतरा अब सत्यमूर्ति की जिंदगी को भी होने वाला है, ये उन्हें नहीं पता था। और तभी उन पर भी हमला किया गया। नेक्स्ट हॉस्पिटल में तुम्हारी एंट्री। बाद में नथुराम के सारे इंस्ट्रक्शंस लेने वाला उसका राइट हैंड अतुल, जो डॉक्टर का बेटा है, वही इस सारे फसाद की जड़ था। पुलिस ऑफिसर कामत मतलब तुम और गैंगस्टर वीरेन, इन तीनों में अब एक ही विलन बचा है और वो तुम, बाकी तो मेरे हाथों मारे गए। हॉस्पिटल में तुमने क्या किया, डॉक्टर के घर में तुमने क्या किया और उसके बाद हमने क्या किया, ये सारे मेरे बयान में मौजूद है और वो मैंने कमिश्नर को दे दिया है। इस पर मुझे एक्शन लेना था और उसके लिए खाकी वर्दी की जरूरत थी। तुम्हारा फोन बजता ही रहेगा, जानते हो क्यों? क्योंकि नथुराम दुबे अरेस्ट हो गया है। मैंने उसी के आदमी को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया। उसे अंदर पहुंचाने के लिए कई लोगों ने मेरी मदद की। अभी हम उसे यहीं लेकर आ रहे हैं। तुम्हारा खेल तो खत्म हो गया। टू ऑफ योर पुलिस कलीग्स विल बी चार्ज शीटेड टुडे फॉर कंस्पायरिंग विद यू। उनमें से एक की स्टेटमेंट यहाँ मेरे पास है। ज्यादा फोर्स नहीं यूज करना पड़ा, उसने अपने आप ही सब कुछ बता दिया। यू आर नॉट अ स्मार्ट पुलिस ऑफिसर। मैं कौन हूँ यह तुम्हें नहीं पता था और उसी के बेसिस पर मैंने ये प्लान बनाया। हम सब ने मिलकर ये प्लान बनाया। तुमसे बदला लेने के लिए मुझे 2 साल और 6 महीने लगे। आई हैड द पेशेंस, आई वेटेड, मैंने रिस्क लिया, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। आज मैं DCP रजनीकांत हूं। क्या समझ रखे हो अपने आप को? क्यों लाया हो मुझे यहाँ? यह नामिका कौन है? अगर मेरे साथ ये हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या हो सकता है? फोन दे अपना। Shut up, फोन दे। This is a police station and this is my station. This is neither your MLA hostel nor is this your house. There is proof and evidence that you're involved in these murders. You attempted to murder your own daughter. Your lawyer's on his way. Until then, please be seated in that room, sir. And that's an order. Marshal, neither to Marshal. आता माची सटक ले। अरे 10-10 पुलिस वालों को साथ लेकर जाएगा। अबे बच्चे, अपने बाप को सिखाएगा कैसे करने का? अभी अभी नया आया हुआ लौंडा मेरे सामने होशियारी। महेश नहीं रहा अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। बहुत बहादुर था अंकल। Ah!
आप